को कड़ा संदेश भेजने के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अमरनाथ मंदिर का दौरा करने पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री दो दिन के लद्दाख व जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान वे लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेंगे और यहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी अतिक्रमण से जुड़े विवाद के बीच भारत के जवाबी रणनीतिक तैयारी का चीन को संदेश देने के लिए लेह लद्दाख के लुकुंग सैन्य चौकी का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने के साथ लेह लद्दाख पहुंचकर जहां अग्रिम मोर्चा पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, वहीं चीन को यह संदेश भी दिया कि बातचीत से हल निकालना ही दोनों देशों के हित में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह पहुंचकर सैनिकों से रूबरू होते हुए चीन को सीमा विवाद को लेकर बेहद कड़ा संदेश देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत की एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं जमा सकती। उन्होंने बेबाक रुख अपनाते हुए कहा कि अभी तक हुई बातचीत से हल की उम्मीद है, मगर विवाद का किस हद तक समाधान निकलेगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते।